मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथे समन के बाद भी आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। वहीं ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। ईडी ने चौथी बार समन जारी करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर आएंगे या नहीं, इसे लेकर समन के बाद से ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब चर्चा तेज है कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने याचिका की कॉपी ईडी कार्यालय भेजा है। ऐसे में अब ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री शनिवार को ईडी कार्यालय नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री संभवतः 22 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट का रुख कर सकते थे, लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव के निधन पर कोर्ट में अवकाश घोषित कर दिया गया था। अब तक मुख्यमंत्री हाईकोर्ट का रुख नहीं कर सके हैं। जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई तरह की शिकायतें मिली थी। इसमें मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों के द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की भी शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच के दौरान ईडी को कुछ के सही होने की सबूत मिले। इस तरह जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।